ट्वेल्थ हिंदी मीडियम में हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 12 और उसका नाम है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण में आपको मैं घात कोटि बता चुका और अवकल समीकरण बना 12.2 कर रहे थे, एक्सरसाइज 12.2 शुरू की थी। तो इसमें जितने कांस्टेंट है उतनी कोटि का समीकरण मिलता है हमें, पूरी फैमिली कुल, पूरी कुल का अवकल समीकरण ज्ञात किया था। एग्जाम्पल नंबर, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। वक्र y इज इक्वल टू e की पावर x साइन a साइन x प्लस b cos x के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो। अवकल समीकरण ज्ञात करो, तो यह देखो भाई हमें पूरी ये y बराबर e की पावर है x a साइन x प्लस b cos x के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना, कुल यानी फैमिली। इस टाइप के सभी वक्रों बस a और b की वैल्यू बदलती रहती है, बाकी ये इस टाइप के जो भी फंक्शन हैं वक्र हैं उन सब के लिए एक ही अवकल समीकरण आएगा। तो यह अचर कितने कांस्टेंट, दो a और b, कैपिटल a कैपिटल b, तो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होगा। और हमारा उद्देश्य है a और b का विलोपन करना, कांस्टेंट ए और बी एस का विलोपन होगा, द्वितीय कोटि से ज़्यादा का अवकल समीकरण इसका नहीं बनेगा, द्वितीय कोटि का ही बनेगा हल। तो वक्र y बराबर e की पावर x a साइन x प्लस b cos x, हमें इसमें ए और बी का विलोपन करना है, द्वितीय कोटि तक जाना है बस। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन करूँ, तो y का तो हो गया dy वाई अपॉन डी एक्स, यून टू भी लग रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ a साइन x प्लस b cos x प्लस a साइन x प्लस b cos x और डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, यून टू भी लगा दिया, यू बी डैश प्लस बी यू डैश, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और ये बी कॉस का माइनस माइनस साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा बाई, ये तो बाई के बराबर ही है एंड बाई, सिंस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, हमने इसका बाई का मान ऐसे कैसे रख दिया, अभी विलोपन नहीं हुआ है, कॉन्स्टेंट तो हटे ही नहीं है, हमें हमें पता है द्वितीय कोटि तक जा सकते हैं हम, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलज कर दो, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो यू टू भी लगेगा, ई की पावर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स और प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, और बाई का डिफरेंशिएशन हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यू यू बी डैस प्लस बी यू डैस और बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन, तो ये डी स्क्वायर बाई अपॉन
डीएक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स करिए इसका ए कॉस एक्स तो माइनस ए साइन एक्स और माइनस बी साइन एक्स तो बी कॉस एक्स ए का ए कांस्टेंट कॉस का माइनस साइन साइन का कॉस और प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स और डिफरेंशियल ई की पावर एक्स एंड ई की पावर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स तो ये डी स्क्वायर बाई हमें ए और बी का विलोपन करना है माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस ई की पावर एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और प्लस ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए ये तो डायरेक्ट फंक्शन है अपना, ये तो बाई बराबर दे रखा है, दिस इज बाई बराबर तो ई की पावर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इससे निकालें ई की पावर ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से इससे इसको नाम दे दो फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं देखो यहाँ से ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई। ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, इसकी जगह तो क्या लिख देंगे बाई और इसकी जगह लिख देंगे ये आया डी स्क्वायर बाई अपॉन एलिमिनेशन हो रहा है किसका बिलोपन हो रहा है ए और बी का माइनस ये किसके बराबर है बाई के और प्लस ये किसके बराबर हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई ये दोनों समान पद हैं तो ये आंसर आ गया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स ये बराबर किसके चल रहा है जीरो के, ये बराबर किसके चल रहा है सब डी स्क्वायर बाई ओहो यहाँ तो ये इधर है इक्वस टू का साइन है भाई यहाँ किसका साइन है इक्वस टू का और ये इक्वस टू माइनस तो ये इक्वस टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इधर आएगा प्लस इक्वस टू माइनस बाई और बीच में बराबर का चिन्ह है और डी स्क्वायर बाई हमें लाना है इसका आंसर डी स्क्वायर बाई माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स और टू बाई ये वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन ये तो क्या माइनस बाई इसकी जगह डी वाई अपॉन डी एक्स और ये साथ में ये रहा प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और इधर ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई और लिख लो एक बार ये डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर प्लस के टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टू वाई ट्रांसपोजिशन कर दिए पक्षांतरण करेंगे तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस टू वाई बराबर जीरो जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है। ये उस फैमिली उस पूरे इस प्रकार के वक्रों के फैमिली कुल का अवकल समीकरण है जो रिप्रेजेंट करेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई कॉन्स्टेंट। अब देखिए यहाँ दो चर थे, यहाँ चर कॉन्स्टेंट कितने थे दो ए और बी तो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण मिलेगा इसमें कोई शक नहीं है।
हमारा काम है ए और बी का विलोपन करना अवकलन करने के साथ, द्वितीय अवकलन तक करना है हमें, क्योंकि दो कांस्टेंट है। अगर एक कांस्टेंट होता तो प्रथम अवकलन का अवकल समीकरण आता। तो बाई एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो यू बी डैस प्लस बी यू डैस, यू ए साइन का अवकलन कॉस, कॉस का माइनस साइन, प्लस वी यू का ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। तो ई की पावर ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं भाई। अब द्वितीय कोटि का चाहिए, एक बार और अवकलन करें तो द्वितीय कोटि का अवकलन फिर वही यू इंटू वी ई की पावर एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी प्लस बी यू और बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ए माइनस कॉस, माई कॉस का माइनस साइन और माइनस कॉस, और ए इसमें से माइनस कॉमन आया तो माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। इसकी जगह तो क्या ले सकते हैं बी, तो बाई, ये तो हो गया बाई। और समीकरण नंबर एक से, ये समीकरण एक से हमने किसका मान निकाला, ई की पावर एक्स इंटू ए कॉस एक्स माइनस साइन बी साइन एक्स, ये आया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई। तो इसकी वैल्यू ये तो हो गया माइनस बाई, इसको लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स आई, दोनों डी वाई अपॉन डी एक्स जुड़ गए, टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई माइनस बाई माइनस टू वाई। पक्षांतरण किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई बराबर जीरो। हमें पता था कि द्वितीय कोटि का जितने कॉन्स्टेंट है उतनी ही कोटि का अचर हैं, उतने ही कोटि का क्या मिलता है हमें अवकल समीकरण प्राप्त होता है। हमें विलोपन करना होगा प्रत्येक कांस्टेंट का, दो कांस्टेंटों का विलोपन हो गया है। विलोपन के लिए दिए गए वक्र प्रथम अवकलज द्वितीय अवकलज किसी का प्रयोग कर सकते हैं, और द्वितीय अवकलज के बाद कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। ये था अवकल समीकरण पूरी फैमिली का, पूरे कुल का अवकल समीकरण जो इस वक्र को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ चेंज होते रहेंगे बाकी सब एक जैसा ही रहेगा। तो ये अवकल समीकरण ज्ञात करने की एक्सरसाइज है 12.2। तो ध्यान रखना कांस्टेंट अचर हैं जितने, उतनी कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होता है। तो 12.2 में मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रश्नमाला, क्वेश्चन नंबर एक वक्र y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। ये वक्र है, इसका अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो इसमें देखो कांस्टेंट कितने हैं, अरे कांस्टेंट कितने हैं इसमें, दो ए और बी, ए बी अचर हैं। तो द्वितीय कोटि का आएगा, ए और बी का विलोपन करना है तो इसको गुणा कर दो पहले, तो एक्स वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, बी को अकेला कर दिया। अब डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष अवकलन कर दो, u इंटू वी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू वन एक्स का अवकलन, और ये a इंटू टू एक्स और b का जीरो, x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू ए एक्स, टू एक्स से डिवाइड कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन 2x इज इक्व टू ए। इन दोनों पर हमें एक का विलोपन करना है तो एक अवकलन जीरो हो जाएगा। द्वितीय हमें पता है द्वितीय कोटि का आएगा, दो अचर है तो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण अलग अलग भाग दे दो, तो ये आ गया x डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू एक्स बराबर ए। एक्स एक्स कट गए तो वन अपॉन टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन
2x इज इक्वल्स टू ए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये 1/2 तो बाहर, dy/dx का डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर, 1/2 u/v x u डैश माइनस 1/x स्क्वायर और इसका जीरो, एक अवकलन क्या हो गया जीरो, यहाँ u/v लगा दिया, v u डैश माइनस u v डैश और ये 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन ले लीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर से गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। ये द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है। चेक करते हैं आंसर, 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स एक्स डी वाई माइनस वाई सही है। तो ये हो गया जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है। तो अवकल समीकरण के लिए हमें कांस्टेंट देखने होते हैं, उन कांस्टेंटों का ये था 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण हमने ज्ञात कर दिया। नेक्स्ट देखिए 12.2 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का 12.2 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, y इज इक्वल टू वक्र a cos x प्लस b के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो, जहां a तथा b अचर हैं। अब ये दो अचर है तो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण आएगा भाई, अचर दो है तो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण आएगा।
तो द्वितीय कोटि के अवकल का मतलब ए और बी का विलोपन होगा। हल वाई बराबर ए कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, तो एक्स के सामने डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर हो गया, दो कांस्टेंट हैं, दो अचर हैं, तो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण आएगा। और हमें अच्छे से पता है कॉस का अवकल साइन होता है, साइन का कॉस हो जाता है, तो इसलिए वापस वही वाई आ जाएगा। तो दो बार अवकलन है, तो इसका देखो डी वाई अपॉन डी एक्स ए कॉस का माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस बी और एक्स प्लस बी का वन, कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस बी और एक्स प्लस बी का वन, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्व टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। हमें पता द्वितीय कोटि का अवकलन चाहिए, पुनः डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पुनः एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, क्या आएगा वाई का, तो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए कॉन्स्टेंट है, कॉस साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी और एक्स का वन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए कॉस ऑफ एक्स प्लस बी रहेगा, परंतु ए कॉस ऑफ एक्स प्लस बी बराबर किसके है वाई के, ये रखा वाई बराबर ये रख दीजिए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई, तो ए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो, अभिष्ट अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण है ये, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त हुआ इसका, और यही अभिष्ट अवकल समीकरण है। ये इसका आंसर होगा 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो। और कौन सा बता देता हूँ, एक एक और देखिए भाई, ये फोर्थ तो चौथा तो वैसे ही जैसे एग्जांपल हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वक्र y बराबर a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 5x के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। कुल का अवकल समीकरण के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो, जहां a तथा b अचर हैं। लो भाई यहां भी a और b अचर है, तो दो अचर हैं, तो कितनी कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होगा, द्वितीय कोटि का। हल दो बार अवकलन करना पड़ेगा, वाई इज इक्वल टू ए की पावर 3x प्लस बी ई की पावर 5x, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए वाई का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ए कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर 3x प्लस बी कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर 5x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर 3x का 3x रहेगा इंटू 3 प्लस बी ई की पावर 5x इंटू 5, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्व टू 3 ई की पावर 3x प्लस 5 बी ई की पावर 5x। ये आ गया अपना, ये तो है फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दें, पुनः
एक्स के सापेक्ष अवकलन से द्वितीय कोटि डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर डी एक्स स्क्वायर कोई थ्री ए कॉन्स्टेंट है डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी की पावर थ्री एक्स प्लस फाइव बी कॉन्स्टेंट डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी की पावर फाइव एक्स सेकेंड ऑर्डर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर थ्री ए की पावर थ्री एक्स इंटू थ्री ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है तो ई की पावर थ्री एक्स का ई की पावर थ्री एक्स थ्री एक्स का डिफ्रेंशिएशन थ्री प्लस फाइव बी ई की पावर फाइव एक्स इंटू फाइव सेकेंड ऑर्डर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर तीन तीन नौ ए की पावर थ्री एक्स पच्चीस बी ई की पावर फाइव एक्स ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें इस तरह इनको लिखना है जिससे हमारे इसका विलोपन हो जाए वापस वाई आ जाए इस फॉर्म में हमको इसको लिखना है और इसके लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इनको आपको इक्वेशन नंबर थर्ड में आपको जोड़ना है टू इंटू सेकेंड और टू इंटू हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है भाई तो एट देखिए समीकरण एक को तो आठ से गुणा करें माइनस आठ से तो लिखना पड़ेगा समीकरण एक को तो माइनस आठ से गुणा किया और समीकरण एक को पंद्रह से गुणा करके जोड़ दो तो यह लिखना है समीकरण एक को पंद्रह से समीकरण दो को माइनस आठ से गुणा करके तीन में समीकरण नंबर तीन में जोड़ने पर तो देखो भैया समीकरण एक को पंद्रह से गुणा करें तीन में जोड़ना है तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर समीकरण थर्ड में जोड़ना है माइनस आठ से गुणा करना है दो को और पंद्रह से गुणा करना है एक को तो माइनस आठ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पंद्रह वाई इसको तो माइनस आठ से गुणा किया माइनस आठ डी वाई अपॉन डी एक्स पंद्रह वाई बराबर थर्ड ऐसे कैसे आएगा नाइन ए की पावर थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव बी ई की पावर फाइव एक्स माइनस एट एट इंटू थ्री ए की पावर थ्री एक्स प्लस फाइव बी ई की पावर फाइव एक्स प्लस पंद्रह पंद्रह इंटू ए की पावर थ्री एक्स प्लस बी की पावर बी इंटू ई की पावर फाइव एक्स तो इसको सरल करेंगे अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फिफ्टीन वाई बराबर देखिए भाई नाइन और आठ से चौबीस पंद्रह और नौ चौबीस जुड़ रहे हैं कि नहीं नाइन और पंद्रह ए की पावर थ्री एक्स माइनस आठ से चौबीस ए की पावर थ्री एक्स प्लस पच्चीस तो देखो इधर प्लस पच्चीस बी ई की पावर फाइव एक्स माइनस आठ पंजे चालीस फाइव बी ई की पावर फाइव एक्स और प्लस पंद्रह फाइव बी ई की पावर फाइव एक्स ये तो चौबीस से चौबीस कैंसिल पच्चीस और पंद्रह चालीस माइनस चालीस बराबर जीरो अतः डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पंद्रह वाई बराबर जीरो इसका अभिष्ट अवकल समीकरण है अभिष्ट अवकल समीकरण आया इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एट डी वाई अपॉन डी एक्स
और 15 बाई बराबर 0। तो ये था अवकल समीकरण। किसी भी वक्र की कुल यानी फैमिली का अवकल समीकरण ज्ञात करना 12.2। अब इसके बाद अपनी 12.3 सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का अवकल समीकरण को हल करना। अवकल समीकरण का हल है 8 वैसे नहीं हो रहा था तो हमने इसमें समीकरण 1 को 15 से गुणा किया, इसको 8 से किया और उसमें जोड़ दिया तो बराबर 0 हो गया राइट हैंड साइड। अभी स्पेशली इस सवाल के लिए याद रखना पड़ेगा। अब अपने अवकल समीकरण के हल, उससे पहले फिर वही दे रखा है इसका हल है यानी अवकल समीकरण के दो एक तो पार्टिकुलर, इससे पहले कि एक्सरसाइज में और क्वेश्चन है वही अवकल समीकरण का हल है यानी हल की जांच कर रहे हैं। पहले तो उदाहरण नंबर 5 सिद्ध करो कि y बराबर cx प्लस a अपॉन c अवकल समीकरण y बराबर x dy अपॉन dx प्लस a अपॉन dy अपॉन dx का हल है। इस अवकल समीकरण का ये वक्र हल है, ये जांचना है। इसके तरीके क्या हैं? आप dy अपॉन dx की वैल्यू इसमें रख दो, संतुष्ट करेगा या तो, या इसका हल निकाल के बराबर ये ले आओ, इसको हल करके ये ले आओ तो अवकल समीकरण विलोपन करके a और c का, दो कांस्टेंट हैं, हल y बराबर वक्र cx प्लस a अपॉन c, कितने कांस्टेंट है भाई, दो, दोनों कांस्टेंट से आपको उनका विलोपन करना है और दिखाना है कि इसका हल है या नहीं। तो या तो ये समीकरण ले आओ उससे, या उसमें वैल्यू पुट करके संतुष्ट कर देगा LHS बराबर RHS। तो देखिए x के सापेक्ष दो हैं a तथा c अचर हैं, तो a और c अचर है, द्वितीय कोटि का आएगा, तो ये x dy अपॉन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बोलिए dy अपॉन dx c इंटू 1 कॉन्स्टेंट का 0, ये आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू रख दे इसमें, c बराबर dy अपॉन dx वक्र में रखने पर, वक्र में रख दीजिए c बराबर dy अपॉन dx, तो y बराबर c x dy अपॉन dx, c की जगह dy अपॉन dx रख दिया, प्लस a अपॉन dy अपॉन dx जो कि दिया गया हल है, जो कि दिया गया अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, यानी हमने वक्र से समीकरण प्राप्त कर लिया। अतः तो लिखेंगे अतः y बराबर cx प्लस a अपॉन c अवकल समीकरण
वाई बराबर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का हल है ये। तो हमने दिए गए वक्र से अवकल समीकरण प्राप्त कर दिया जो सामने है, इसका मतलब है ये इसका हल है, ये इसका हल है।